उज्जैनी में एक राजा था, उसका बेटा बहुत प्यारा छोटा बच्चा था। वो राजा अचानक मारा गया। उज्जैन का नमस्कार, मैं हूँ देवी चंद्रप्रभा और श्री गोपाल सेवा समिति यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है राजा भोज और चाचा मुंज की, सुनिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। उज्जैनी में एक राजा था, उसका बेटा बहुत प्यार बच्चा था छोटा। वो राजा अचानक मारा गया। उज्जैन का उसका छोटा और भाई मुंज मुंजनाथ, वह भी बड़ा त्यागी तपस्वी, बड़ा साधु संतों की सेवा करने वाला। जब राजा मर गया तो युवराज 5 साल का था। युवराज का नाम था भोज, नाम तो सुना ही होगा। जपाल धारा नगरी का राजा तो मुंज ने राज्य संभल लिया कि जब तक यह बच्चा 15 साल का होगा, इसका राज्य अभिषेक होगा, तब तक मैं चला लूंगा। चलता रहा और मुंज के मन में लोभ गया, ओनरशिप आ गई। आपका है ही नहीं, आप बाजार सामान लेने गए, आपने उससे कहा कि 1,000 रुपए की यह चीज दे दे, मिठाई दे दे। आपने 1,000 रुपए दिए, उसने मिठाई, कहाँ है नोट गया हाथ में, क्या है मिठाई, मिठाई उसके पास थी जिसका ओनर वो था। अब उसके हाथ में क्या है नोट और आपके हाथ में क्या है मिठाई, ये दुनिया सांसों के एक्सचेंज पे चल रही है और आप कह रहे हैं कि मैं सांसों का मलिक हूँ। इसके ओनरशिप लेने में हो ही नहीं सकता। मुंज के मन में लोभ आ गया कि सत्ता तो मेरे ही पास रहनी चाहिए। सोच के देखो कि यही लोग हैं जो बच्चे को कभी खिलाया होगा, शाहजहां ने अपनी गोद में खिलाया होगा, इस औरंगजेब ने अपने बाप को जेल में बंद रखा। सोच के देखिए, यही लोग हैं जिसमें अखबार में खबर छपती है कि संपत्ति विवाद में सोते समय 2 बेटों ने बाप को कुल्हाड़ी से काट दिया। यही ओनरशिप का लोग है जिसमें दाम्पत्य संबंधों में, पारिवारिक संबंधों में एक दूसरे की हत्याएं की जा रही है। आप बाजार सामान लेने गए, आपने उससे कहा कि 1,000 की यह चीज दे दे, मिठाई दे दे। आपने 1,000 रुपए दिए, उसने मिठाई, कहाँ है नोट गया हाथ में, क्या है मिठाई, मिठाई उसके पास थी जिसका ओनर वो था। अब उसके हाथ में क्या है नोट और आपके हाथ में क्या है मिठाई, ये दुनिया सांसों के एक्सचेंज पे चल रही है और आप कह रहे हैं कि मैं सांसों का मलिक हूँ। इसके ओनरशिप लेने में हो ही नहीं सकता। मुंज के मन में लोभ आ गया कि सत्ता तो मेरे ही पास रहनी चाहिए। सोच के देखो कि यही लोग हैं जो बच्चे को कभी खिलाया होगा, शाहजहां ने अपनी गोद में खिलाया होगा, इस औरंगजेब ने अपने बाप को जेल में बंद रखा। सोच के देखिए, यही लोग हैं जिसमें अखबार में खबर छपती है कि संपत्ति विवाद में सोते समय 2 बेटों ने बाप को कुल्हाड़ी से काट दिया। यही ओनरशिप का लोग है जिसमें दाम्पत्य संबंधों में, पारिवारिक संबंधों में एक दूसरे की हत्याएं की जा रही है। आज के बाद आपके मन का प्रोसेस बदल जाए तो किसी और का प्रोसेस बदलने की कोशिश करना। कहानी पर आते हैं। मुंज ने कहा कि अच्छा ऐसा करो, इसको मार देते हैं। उसने अपने सबसे विश्वास पात्र सेनापति को बुलाया और कहा कि तू जा राजकुमार को जंगल ले जा शिकार खेलने के बहाने, और वहाँ जब राजकुमार अकेले हो, निहत्ते हो, तो तलवार से उनका सर काट देना और मुझे तलवार खून से सनी दिखाना। सेनापति को समझ में नहीं आया, उसने कहा यह मेरी आजा है, मैं राजा हूँ, जा। सेनापति चला गया। जब जंगल में गए तो सेनापति के माथे पर पसीना आने लगा। सात्विक लोगों को देखकर बुरे विचार अक्सर पसीने में बदल जाते हैं कि मैं आपको मार कर ताकि वो राजा बने रहे। तो वो घोड़े से नीचे उतार गए और घुटनों के बाल बैठ गए और कहा कि अगर राजा ने आजा दी है तो राज आज्ञा पूरी करें। जब मैं उनकी सेना में भर्ती हुआ था, इस तलवार से उनके बेटे का सर कैसे काटूं, तो वो बोले तू मुझे मारना भी चाहता है और मार भी नहीं पा रहा है, बता मैं तेरी क्या सहायता करूं? मैं तो तेरी यही सहायता कर सकता हूं, मुझे मार दे, चाचा को बता दे। तो सेनापति ने रास्ता निकाला, बोला एक कम करिए, यह धार की पहाड़ी पार करने के बाद मेरी एक बहन रहती है और आप तो वैसे भी साधु स्वभाव के आदमी हैं, आप तो कहते भी मुझे साधु बनना है, मुझे सन्यास लेना है, आज शुरू करिए, आप मेरी बहन के घर रहे और वहाँ से आगे निकाल जाइए, हिमालय तू क्या करेगा। तो बोले एक सेकंड सुन, मेरा चाचा तुझे पूछेगा कि जब मैं मर रहा था तो मेरे मन में क्या था, बोले हाँ यह पूछ सकता है, तो मेरा चाचा बड़ा विद्वान आदमी है, मेरी ओर से श्लोक दे देना। उसने भोजपत्र उठाया, एक लकड़ी श्लोक लिखा और राजा मुंज को पहुँच दिया।
कुछ लोभ था कि मांधाता चमड़ीपति कृतियां का लंका और भुट्टे गटा अन्य चाप युधिष्ठिर प्रवृत्ति में हिंदी में आपको अर्थ समझा देता हूँ। वह भी ऐसे ही चले गए, युधिष्ठिर आए उन्होंने पृथ्वी जीती वो भी ऐसी चले गए। आज मुझे पहले बार यकीन हो गया चाचा जी, जब आप मारोगे तो पृथ्वी आपके साथ जाएगी, मुंज तुम्हारे साथ जाएगी। चाचा ने श्लोक पढ़ा और रोने लगा, कहा हे राम ये क्या हो गया, देवता जैसा भतीजा मार दिया और रोने लगा, मुझे उसे जगह ले जो जहां मेरे भतीजे पर तूने तलवार चलाई, अब मैं सन्यास ले लूंगा, मैं मर जाऊंगा, आत्महत्या कर लूंगा। तो सेनापति हंसने लगा, बोला मुझे पता था आप ऐसा ही करोगे और मुझे पता था कि आप मन के बुरे नहीं हो, आपके चारों तरफ जो लोग हैं वो मन के बुरे हैं, उन्होंने आपकी बुद्धि भ्रमित की है, कोई बुराई नहीं है, आपका मन खराब हो रहा है। परिवार के बाहर खड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति अगर तुम्हें सगे भाई सगी बहन संबंधी और माता पिता के बारे में बुरा बताकर कहे कि मैं तेरे साथ हूँ, समझ लेना वो तुम्हारे साथ में नहीं है, है वो तुम्हारे पतन के साथ है। तो उसने कहा कि मुझे पता था राजा भोज मारे नहीं है, है युवराज मारे नहीं, वो मेरी बहन के घर है। धार के पर्वत पार करता हुआ गया और भोज के पास चरणों में लिपट के रोने लगा और गले लगाया और कहा चाचा क्या बात हो गई, आपकी इच्छा अनुसार तो मैं साधु बनना चाहता हूँ, यह संभव नहीं है, है साधु तो मैं ही बनूंगा, अब तू राजा बनेगा। और मुंज अब प्रथम साधु के रूप में विख्यात हुए और भोज यशस्वी राजा के रूप में। इस कहानी का मतलब क्या है, जब तक आप इस संपत्ति को इन संबंधों की जगह कस्टोडियन मान के इनकी सेवा करोगे यह तुम्हें वापस पलट कर देगी, एक दिन उसके ओनर बन जाओगे, उसे सब हाथ से छूट जाएगा, सब चला जाएगा। कहानी सभी को शेयर करें, फिर मिलती हूँ नई कहानी के साथ, प्रेम से बोलो सीता राम, राधे कृष्ण, हर हर महादेव।